सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए सभासदों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद माननीय नरहरी अमीन जी। माननीय श्री मिथिलेश कुमार जी, माननीय मिथिलेश कुमार जी। माननीय उपसभापति महोदय, आज आपने आज मुझे इस बिल के समर्थन में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के बिल पर को लाकर के सहकारिता मंत्री जी ने हमारे देश के किसानों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है। ये विधेयक दशकों पुराने बहुराज्य सहकारी समिति 2002 के संशोधन में करने जा रहा है, जो कई राज्यों में संचालित सहकारी समितियों की निगरानी करता है। कानून उन राष्ट्रीय सहकारी समितियों को सूचीबद्ध करता है जो इसके दायरे में आएंगे। भारतीय सहकारी आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी विकसित हुई है। अकेले भारत में 29 करोड़ समथिंग व्यक्तियों की संस्था वाली 8,54,355 सहकारी समितियां हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि कुछ राज्यों में लगभग 5 करोड़ सदस्यों द्वारा संचालित 2,30,000 सहकारी समितियां हैं। माननीय बोर्ड की सदस्यता को बढ़ाने के लिए 2002 अधिनियम की धारा 41 में संशोधन किया जा रहा है, जबकि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाने के लिए 45 में संशोधन किया जा रहा है। अस्थिर बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के गठन में धारा 63(1) का समावेश उल्लेखनीय है। महोदय, इस विधेयक में प्रस्तावित उपाय वास्तव में भारतीय बहुराज्य सहकारी समितियों के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण कार्यात्मक मुद्दों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सहकारी समितियों के अंदर वित्तीय चोरी, चुनाव में देरी और विवाद, लेखा परीक्षकों का पक्षपातपूर्ण चयन, भर्ती में पक्षपात और खराब सदस्य भागीदारी सहित विभिन्न प्रकार के मुद्दों को संशोधित करना है। महोदय, विधेयक का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी में सुधार करना, शासन में पारदर्शिता बढ़ाना और भारत में बहुराज्य सहकारी समितियों के भीतर संस्था विविधता को प्रोत्साहित करना है। यह न केवल बहुराज्य सहकारी समितियों की संरचना को सरल बनाता है, बल्कि कहीं अधिक प्रभावी नियामक ढांचे की भी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार, जो मूल अधिनियम के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं, को कई प्रशासनिक और भौतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो शिकायतों को हल करने की उसकी क्षमता को सीमित करते हैं। 2023 विधेयक का उद्देश्य रजिस्ट्रार की कार्यप्रणाली में सुधार करना है और इस तरह ई फाइलिंग और डिजिटल सहायता जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का बेहतर उपाय करके व्यापार करना आसान बनाना है। महोदय, ये विधेयक 115 साल पुराने सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार का कदम है। ये बहुराज्य सहकारी समितियों में आमूलचूल सांस्कृतिक बदलाव लाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी प्रगति होगी। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता विभाग बनाकर के भारत में नई क्रांति लाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस सहकारिता विभाग को बना करके उन्होंने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने की जिम्मेदारी इस विभाग को दी है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किसानों की दोगुनी आय बढ़ाने का काम करने के लिए इस विधेयक में तमाम संशोधन किए हैं। महोदय, बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले अन्य दलों की सरकारें रहीं, जिनमें सहकारी विभागों में अपने परिवारों का नौकरी देना, अपने परिवारों को ठेका देना, इस तरीके से इस विभाग में बहुत ही लंबा भ्रष्टाचार किया गया तथा सहकारी चीनी मिलों को बंद करके बेचने तक की व्यवस्था कर दी गई थी। मैं उस समय विधायक था तो
तो मैंने उन चीनी मिलों को चलाने के लिए संघर्ष किया। तब मेरे जनपद में ही हमारे चीनी मिल पुआया, वो चीनी मिल बंद हो गई थी, उसको चालू करके आज उस चीनी मिल में किसानों का 100% गन्ना खरीदा जाता है और उनका समय से भुगतान होता है। मित्रों, मुझे कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि सहकारिता बिल को पेश करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश से ही माननीय बीएल वर्मा जी हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को पेश करके सदन में लाने का काम किया है। वर्तमान समय में देश भर में 1500 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियाँ, लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों और लगभग 29 करोड़ इसके सदस्य हैं। ये समितियाँ स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों के आधार पर अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देती हैं। ये समितियाँ पूरे देश में फैली हुई हैं और कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो संशोधन विधेयक लाया गया है उससे सहकारिता क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महोदय, ये बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को बहुराज्य सहकारी अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए लाया गया। इस विधेयक में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह संशोधन व्यवसाय करने में आसानी, अधिक पारदर्शिता और शासन को बढ़ाने का काम करेगा। ये संसाधन चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण का गठन किया गया है। मान्यवर, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिसमें आरक्षण व्यवस्था दी गई है, सहकारिता मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद माननीय मिथिलेश जी, आपका समय हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय।